myself indresh kumar singh faculty of department of civil engineering bvd niit lucknow okay. in the previous classes we have discussed about the most economical channel sections in open channel flow we have also discussed definition of open channel flow difference between open channel flow and pipe flow okay. some geometric parameters we have discussed after that in last class, we have discussed about the very important topic Chézy's formula, Chézy's equation. That is is Chézy's equation, which we use for in the uniform flow for calculating the velocity of the flow at any sections. There we find out the some relations like a hydraulic radius r equal to m upon a upon p okay, and others. So, now we continue. Uh, the most economical channel sections uh, from we start the rectangular, triangular, and trapezoidals. We have discussed in the previous classes these some uh, cross section for the most economical channel section. Okay. In that series, we have now reached at the circular channel section. Somewhere, whenever we designing canals we find out the cross section uh, required circular cross channel section okay so for the channel section circular channel section what is the parameters or some uh, definitions some parameters which we required for the most economical channel section we know very well what is mean by the most economical channel sections channel section means we have discussed our uh, designing the channels that is the uh, for the canal rectangular triangular either any shape

सब्जेक्ट कोड जो आपका है वो के सी फोर जीरो थ्री है लेक्चर नंबर सिक्स आपने देखा कि डिस्चार्ज थ्रू ओपन चैनल फ्लो जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस तो उसमें चेजिश हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है चेजिस इक्वेशन का डेरिवेशन प्रीवियस क्लास में किया था लास्ट क्लास में आप वहाँ से देख सकते हो ओके उसके बाद मैनिंग्स के फार्मूला भी लिखा था मैनिंग्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं कि चेजी की इक्वेशन क्या थी तो चेजी की इक्वेशन वी वेलोसिटी के लिए जो आपकी थी ओके ओके सो चेजी के लिए आपने वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट की थी वी अंडर रूड आर एस ओके एंड मेनिंग्स के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन बताई थी आपको फार्मूला जो बताया था वन अपान एन आर की पावर टू बाई थ्री और एस की पावर वन अपान टू, इट, तो ये दो इक्वेशन्स आपको ड्राइव की थी हम लोगों ने लास्ट क्लास में और इन दोनों के रिलेशन से मैनिंग्स और इनका चेजी की जो कांस्टेंट है इसका रिलेशन भी फाइंड आउट किया था ओके okay? तो जो सी और एन का जो आया था रिलेशन वो वन अपान एन आर की पावर वन अपान सिक्स ये इनका आया था तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद में डिस्चार्ज हमें ओपन चैनल फ्लो में चाहिए तो Q इक्वल टू हमें पता है वी नो द इक्वेशन Q इक्वल टू ए वी ओके वाई फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड देन फाइंड आउट द वेलोसिटी एट एनी क्रॉस सेक्शन इन द ओपन चैनल फ्लो वी यूज द कंटिन्यू इक्वेशन क्यू इक्वल टू ए वी एंड इन दिस इक्वेशन वी पुट दिज वैल्यूज फॉर फाइंड आउट द वेलोसिटीज़ वी यूज चेजी इक्वेश मैनिंग इक्वेश चेजिस कॉन्स्टेंट सी एंड एंड ऑल्सो ड्राइवड हेयर द रिलेशन बिटवीन द चेजिज एंड मैनिंग कॉन्स्टेंट इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑल्सो डिस्कस द वेजंस फार्मूला एंड दैट इज गिवन बाई द कॉन्सटेंट्स जो टर्म्स यूज किया था उनका वेजिन्स का जो था वो के से डिनोट किया था और उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फॉर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल वी वी यूज टू मेक अ कंस्ट्रक्ट चैनल्स के लिए होता है ओके इसके बाद में आपका कटर्स फार्मूला है इसको देखते हैं डिस्कस करते हैं इसको भी पहले देन फिर हम लोग आते हैं उस पर सर्कुलर चैनल चेजी फार्मूला कैन ऑल्सो बी यूज विद द कटर्स फार्मूला उन्होंने ये भी बताया गया कि चेजी का जो था वो कटर्स के साथ भी कैसे रिलेशन रखता है तो उसका एक ड्राइव फार्मूला ये है इसको डायरेक्ट याद करने की ज़रूरत है और इसका डेरीवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है ओके तो चेजी का सी जो कॉन्सटेंट है आपको पता है सभी लोगों को सी चे जी कॉन्सटेंट है उन्होंने दिया था ऐसे एक वेजिन्स के साथ में एक रिलेशन बनाया था कटर्स के साथ जो रिलेशन है वो सी इक्वल टू ट्वेंटी थ्री प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन फाइव फाइव प्लस वन अपान एन डिवाइड बाई वन प्लस ब्रैकेट ट्वेंटी थ्री प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन फाइव फाइव डिवाइड बाई आई एन अपान अंडर रूल एम ओके सो यहाँ पर जो आपका कॉन्सटेंट है उसमें याद रखना है सी चेरी कॉन्स्टेंट है जो इसमें ये एन दिया गया है ओके okay? तो n क्या है हमारा कटर्स कांस्टेंट है ओके okay? कटर्स ने भी काफ़ी स्टडी की थी ओपन चैनल फ्लो में ओके okay? तो उन्होंने भी अपना एक रिलेशन दिया था वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए डिस्चार्ज जो भी हमारा ओपन चैनल फ्लो में डिस्चार्ज था उसको फाइंड आउट करने के लिए तो कटर्स की जो इक्वेशन जो है वो आपको कटर्स कांस्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर वो आपको पता चल गया तो आप सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और सी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो हम चेजी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं तो हमको सारे फार्मूले याद करेंगे नहीं है अगर चेजी इक्वेशन याद है और ये कॉन्सटेंट के आपस में रिलेशन बस याद कर लीजिए ओके तो एन कटर्स कॉन्सटेंट है एम इज़ द हाइड्रोलिक रेडियस आई इज़ द स्लोप ऑफ द बेड दिया गया है ओके तो इस फार्मूले को याद कर लेना है बस सिंपल सा इतना ही करना है आपको इसको याद करना है ओके, सो इक्वल हो गया, इसको फाइंड आउट कर लेंगे यहां पर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे कांस्टेंट की एंड हाइड्रोलिक रेडियस एम एंड दोड एन ओके वैल्यू ऑफ एन इन द मैनिंग्स एंड कटर्स फार्मूला तो देखिए स्मॉल एन से हम जो मैनिंग्स इक्वेशन यूज कर रहे थे या मैनिंग्स या तो कटर्स अब आप चाहे कटर्स का रिलेशन जो था वो मैनिंग्स के साथ भी होगा चेजी के साथ वो आप कैलकुलेट कर सकते हो तो जो मैनिंग कटर्स uh, का जो कैपिटल एंड है तो उसमें एंड कटर्स फार्मूला में तो ये जो कटर्स की इक्वेशन है ये भी डिफरेंट डिफरेंट है हमने वहाँ पर देखा था कि जो वेजेंस इक्वेशन में केक कॉन्स्टेंट था उनकी वैल्यू जीरो से लेकर टू तक गई थी टोटल रेंज जो थी ओके okay? उस रेंज के ही हिसाब से हम लोगों को वैल्यूज़ कंसीडर करनी है बट हेयर वी नो कि यहाँ पर हमारी जो uh, एन दिया गया है कैपिटल एन जो कि कटर्स कॉन्स्टेंट है तो वो भी सरफेस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है तो इन्होंने जो स्टडी की थी फॉर द डिफरेंट मटेरियल्स जो यूज कर रहे थे कंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि हमारे इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग रहेगी जैसा कि टेबल में दिया है स्मूथ सीमेंट प्लास्टर एंड प्लैंड वुड का अगर हमने बनाया है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी वेरी स्मूथ कंक्रीट एंड प्लांट टिम्बर्स अगर है तो जीरो पॉइंट जीरो वन वन होगी स्मूथ कंक्रीट के लिए आपकी जीरो पॉइंट जी वन टू हो जाएगी ओके तो इस तरीके से फॉर डिफरेंट डिफरेंट सरफेस जो चैनल्स की हैं उसके लिए कटर्स ने अलग अलग अपने कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके दी हैं डायरेक्ट यही वैल्यू यूज करनी है जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें ये वैल्यूज आपको गिवन रहेंगी ओके तो जो हम चैनल सेक्शन की बात कर रहे थे मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की बात कर रहे हैं उन इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन में क्या है हमारा को जो यूनिफॉर्म फ़्लो के लिए हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो डिस्चार्ज फ्लो होगा उस डिस्चार्ज फ्लो हो रहा होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन ड्राइव किए वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने कई फार्मूले देखे हैं यहाँ पर तो उसी में अब हम जो रेक्टेंगुलर ट्रेंगुलर और ट्रिपोजाइडल डिस्कस कर चुके हैं तो अब सर्कुलर डिस्कस करते हैं ओके सर्कुलर चैनल सेक्शन जैसा कि आपको यहाँ पे एक इवन है कि एक सर्कुलर चैनल सेक्शन दिया गया है अब आप, आप ध्यान से देखिए कि सर्कुलर चैनल सेक्शन मतलब पाइप में फ्लो हो रहा है तो क्या उसको हम ओपन चैनल फ्लो बोलेंगे ओके okay? पाइप में जब फ्लो होता है अगर फुली फ्लो हो रहा हो जैसे कि अगर ये पाइप दिया गया है और इसका क्रॉस सेक्शन की बात करें अगर तो यहाँ पर मैंने बनाया और इसमें अगर फुल कम्प्लीटली फ्लो हो रहा है ओके okay? तो ये तो पाइप फ्लो में आ गया ओपन चैनल फ्लो में नहीं रहेगा ओपन चैनल फ्लो तभी होगा जब हमारा उसमें एक फ्री सरफेस मिले मतलब जो फ्लूड फ्लो कर रहा होगा किसी भी चैनल में अगर फ्री सरफेस मिल गई उस पर एटमोसफेयर प्रेशर एक्ट कर रहा है तो हम उसको ओपन चैनल फ्लो बोलेंगे तो हमको ये कंडीशन देखनी है कि अगर सर्कुलर भी हमारा क्रॉस सेक्शन है तो उसमें कम्प्लीटली फुली फ्लो तो नहीं हो रहा है कुछ ना कुछ वहाँ पर स्पेस खाली रहेगा ताकि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक फ्री सरफेस मिल सके तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम लिया गया है कि एक सर्कुलर ये चैनल सेक्शन आपने कंसीडर किया है यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ये यह यहाँ तक ही वाटर फ्लो कर रहा है इतने में ओके ये वाटर फ्लो कर रहा है जो कि ए टू बी पॉइंट हमने बना दिया है ठीक अब आप अगर मैं इसको बात करूँ इसके सेंटर से तो सेंटर से इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को बहुत पॉइंट्स हमने ऐड कर दिए तो इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की रेडियस जो है वो आर है यहां पर ये यह ध्यान रखिएगा ना कि यहां पर हाइड्रोलिक रेडियस आर इक्वल टू ए अपन पी कंसिडर कर लो ओके ये रेडियस यहां पर इसकी दी गई चैनल सेक्शन की आर जितनी डेफ्थ में वाटर फ्लो कर रहा है या कोई भी फ्लूड जो फ्लो कर रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया है स्मॉल डी ओके इस चैनल सेक्शन का जो डायमीटर होगा उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं कैपिटल डी ओके तो इस्लॉल डी हो सकता है कि ये जो फ्लो है वो आपका कहीं यहाँ तक भी फ्लो हो रहा हो देखिए मैं बना रहा हूँ एक ओके इस क्रॉस सेक्शन में आपका वाटर जो फ्लो रहा वो इतना ही है लेकिन अगर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ तक वाटर फ्लो हो रहा हो तो इतना ओके और इसका सेंटर यहाँ पर होगा तो आप क्या करेंगे तब भी आप ऐसे ही ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे ये वाला एंगल कितना है ये टू थीटा एज्यूम करते हैं इसको थीटा भी एज्यूम कर सकते हो आप ओके लेकिन टू थीटा हम इसलिए एज्यूम करते हैं फॉर सिंपलिसिटी कैलकुलेशन के लिए तो ये ध्यान रखना है कुछ बुक्स में आपको थीटा एज्यूम करके सारे फार्मूले ड्राइव किए गए होंगे और किस में टू थीटा तो आपको ये बिल्कुल स्पेसिफाई होना है कि हम कौन सा फार्मूला याद कर रहे हैं ऐसा ना हो कि आप कोई गलत फार्मूला याद कर लें और फिर वहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें क्यों क्योंकि अगर मान लीजिए कोई फार्मूला होगा तो ड्राइव होकर आएगा तो थीटा पे ही चेंज होगा ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो वो आप समझ लीजिए कि टू थीटा कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर तो अब हमारा अगर इतना वाटर फ्लो हो रहा होगा तो अब चाहिए क्या पूरी कैलकुलेशन में ओपन चैनल फ्लो में जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है चाहे मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन हो तो उसमें भी अगर हाइड्रोलिक मिन रेडियस दी गई है या डिस्चार्ज हमारा मैक्सिमम हो जाए कम रेडियस पर रहे ओके या पेरीमीटर उसका मिनिमम रहे यही बात करनी है तो इसी के लिए फॉर दैट अगर कोई भी चैनल सेक्शन है वहाँ पे अगर कोई फ्लूड फ्लो कर रहा है देन वहाँ पे हमको ओपन चैनल फ्लो के लिए उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होनी चाहिए एंड पेरिमीटर पता होना चाहिए ओके okay? दो चीज़ें अगर हमने कैलकुलेट कर ली देन हम अदर पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लेंगे आसानी के साथ तो यहाँ पर अगर सर्कुलर चैनल सेक्शन है सर्कुलर चैनल सेक्शन में चाहे वाटर आपका इस पॉइंट तक फ्लो हो रहा हो चाहे आपके सेंटर से नीचे हो तो यहां पर मान लीजिए यहां तक फ्लो हो रहा है ओके okay? अगर यही चीज यहां तक होती तो इतनी क्रॉस सेक्शन एरिया आपको फाइंड करनी होती यहां पर कितनी क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करनी है सिर्फ इतनी ओके okay? और ये पेरीमीटर आपको चाहिए क्योंकि इसी के कॉन्टेक्ट में सॉलिड के कॉन्टेक्ट में है ठीक बस एरिया और पेरीमीटर अब आप समझिए कि जो ओपन चैनल फ्लो में है बेसिक ज्योमेट्री आपने जो सर्कल पढ़ा होगा क्लास फिफ्थ सेवन्थ में सिक्स सेवन्थ में वहाँ पर जो पढ़ेंगे वही सिंपल से लगाने हैं कि अगर कोई सेगमेंट दिया है उसके एरिया कैसे फाइंड करते हैं सेक्टर की एरिया कैसे फाइंड करते हैं ओके बस सिंपल से वही फार्मूले यूज करने हैं और आप एरिया इसकी फाइंड कर सकते हो पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हो क्योंकि ये सरगम फेरेंसी तो चाहिए यहाँ से ए टू वी ओके आर्क जो आपके उतना ही चाहिए तो ये चीज़ें हमको पता करनी तो जैसे फार मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो अगर आपका ए अपान पी थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें और उसको इक्वल टू जीरो कर दें तो यहाँ से हमको मैक्सिमम वेलोसिटी का एक डेरिवेशन मिल सकता है ड्राइट फार्मूला मिल सकता है ओके आ, थीटा के रिस्पेक्ट में अंडर रूट ए की वो अपन पी को अगर डिफ्रेंशिएट करें जीरो के इक्वल रखें तो यहाँ से डिस्चार्ज हमको कैलकुलेट करने में हेल्प मिलती है तो ये दो रिलेशन हमको यूज करने हैं और फाइंड आउट करनी है चीज़ें तो चलिए यहाँ पर पहले आपको इसका एरिया फाइंड आउट कर लें जैसा कि एरिया जब अगर उस सर्कल के निकालोगे तो आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन टू थीटा पॉइंट टू आया अब ये कैसे आया ये ध्यान रखना है आपको देखिए यहाँ पे बनाते हैं कि हमारा जो चैनल सेक्शन था मान लीजिए इस पॉइंट तक है और यहाँ तक वाटर आपका फ्लो हो रहा है ठीक यहाँ से आपने कंसिडर कर ली रेडियस आर यहाँ पर ये आर रेडियस आर और ये वाला एंगल टू थीटा है गॉट इट तो ये टू थीटा है अब अगर हम बात करें इस सेक्टर की टोटल एरिया क्या आ जाएगी ये ए पॉइंट ले लीजिए ये बी ले लीजिए तो सेक्टर ये ओ सेंटर हो गया तो अब आपसे मैं बात करूँ सेक्टर ए ओ वी ओके इसकी पूरी एरिया करें तो थीटा पान थ्री सिक्सटी पाई आर स्क्वायर सॉरी कैपिटल आर ओके okay? अब ये चीज़ आ गई तो ये एरिया हमने निकाल ली अब इस ट्रेंगल की एरिया जो होगी वो अगर माइनस कर दें तो इस सेगमेंट की एरिया हमें पता चल जाएगी तो इस ट्रेंगल की एरिया कैसे फाइंड करोगे ये ट्रेंगल यहाँ पर बनाते हैं देखिए है। ऐसे ध्यान रखिए कि ए आर है और ये वाला जो एंगल है वो टू थीटा दिया गया है ठीक तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर आप डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक थीटा डिग्री इधर हो जाएगा थीटा इधर हो जाएगा ठीक पता चल गया अब आपको यहाँ से ट्रेंगल की एरिया फाइंड करनी किसी तरीके से ये वाली हाइट पता हो जाए तो आपको इस ट्रेंगल की एक एरिया पता चल जाए टू तो से मल्टीप्लाई कर दोगे ठीक तो अब क्या होगा ए जो आर है तो इस पर क्या आएगा आपका आर कॉस थीटा और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी आर साइन थीटा ठीक मालूम हो गई अब हम क्या करें इस वाले ट्रेंगल की एरिया अगर पूरे फाइंड करें तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी आर साइन थीटा ये भी होगा तो हमारा ये टोटल डिस्टेंस हो गई इस ए से वी तक की टू आर साइन थीटा ओके ये ए बी की डिस्टेंस हो गई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ये हम कोई डी पॉइंट मान लें और ये वो तो था ही तो ओ डी डिस्टेंस हमारी क्या हो गई ओ डी आपकी हो गई आर थीटा, यूज कर देंगे अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल का फार्मूला है तो वन अपॉइंट टू इंटू हाइट इंटू बेस का सिंपल सा फार्मूला तो आर कॉस्थीटा इंटू टू आर साइन थीटा ओके दिख रहा है टू आर थीटा। तो अगर यहाँ से अब देखेंगे ये एरिया का फार्मूला है किसका इस ट्रेंगल का तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आपका आ जाएगा एरिया उस ट्रेंगल की आपका आ जाएगा वन अपॉइंट टू आर स्क्वायर टू साइन थीटा एंड कॉस् थीटा अब ये फार्मूला आपको पता है साइन थीटा थीटा क्या होता है टू साइन थीटा होता है दिस मीन्स कि एरिया ऑफ ट्रैंगल जो आपकी आ गई है इस एंगल की आ गई आपकी वन पॉइंट टू आर स्क्वायर साइन टू थीटा ओके साइन टू थीटा आ गई समझ गए अब आपकी ये वन पॉइंट टू आर स्क्वायर साइन टू थीटा को माइनस कर देना है जो हमने टोटल इस सेक्टर की एरिया निकाली थी यहाँ पर तो वो हमारी एरिया दी गई अगर पाई बाई आर स्क्वायर लिखोगे तो वो हमारा रहेगा थ्री सिक्सटी है तो पाई से अगर काटेंगे तो टू ये आ जाएगा तो वहाँ पे आ गया थीटा पॉइंट टू माइनस थीटा अपॉन टू आर स्क्वायर माइनस ये वन अपॉन टू आर साइन टू थीटा हो जाएगा ओके यहां से अगर, अगर आर कॉमन ले लोगे आप ये वाली चीज फाइव वन ओके इसको सॉरी वन होता है तो ये यहां पर अगर ले लोगे तो हमारा ड्राइव फार्मूला ये आ जाएगा समझ गए तो आपका सिंपल सा जो ये ज्योमेट्री थी आसान है उसको मैंने जिसको अगर याद है डायरेक्ट फार्मूला तो वो डायरेक्ट लिख सकता है तो एक सिंपल सा मैंने ड्राइव करके बता दिया है जो भी चीज़ें हैं आप देख लीजिए एक बार इसको ओके okay. तो आपका ये फार्मूला कैसे आया हमने देख लिया कि जो सर्कुलर चैनल सेक्शन है वो किसी भी तरीका की बना हो आपका देखना है सेंटर से कहाँ तक वाटर फ्लो कर रहा है ओके okay. और इसको टू थीटा कंसीडर कर लीजिए तो एरिया आ गई आपकी आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन टू थीटा पॉइंट टू ओके okay, कैसे ड्राइव हुई है ये आपको बता दिए या सेगमेंट की आप डायरेक्ट एरिया कैलकुलेट कर सकते हो अब ये पेरीमीटर ये वाली डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे तो वो पेरीमीटर आपको दिया गया है टू आर थीटा ओके okay? ये पेरीमीटर का फार्मूला दिया गया है क्योंकि आपको पता है टोटल सरगम क्या होती है आपकी टू पाई आर ओके okay? लेकिन यहाँ पर टू थीटा के लिए जब कैलकुलेट करोगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे टू थीटा ओके डिवाइड बाई थ्री तो वहाँ से फिर आप टू पाई आर और थीटा वहाँ से पाई से वैल्यू रखोगे तो टू पाई हो जाएगी वो कैंसिल तो टू आर थीटर आ जाएगी ओके ये सिंपल ज्योमेट्री आपकी है अब आप देखिए हमारा जो ओपन चैनल फ्लो में इसका क्या यूज है वो चीज़ समझिए एरिया कैलकुलेट कर ली पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिए कोई भी चैनल सेक्शन जब भी मिल जाए आपको सिर्फ सिर्फ जितना फ्लो हो रहा हो वाटर का कोई भी फ्लूड जितना फ्लो हो रहा होगा वी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दैट फ्लो एट एनी क्रॉस सेक्शन ओके इन अ चैनल तो so, अब यहाँ पर हमको मालूम है कि वेन एवर वी कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर देन वी गो फॉर द कैलकुलेटिंग हाइड्रोलिक रेडियस हाइड्रोलिक रेडियस आर जो होती है वो उसी को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आर दिया हुआ है तो इसलिए एम से भी डिनोट कर सकते हैं तो एम सबसे पहले कैलकुलेट करोगे दैट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ चैनल क्रॉस सेक्शन एंड बेटेड पेरीमीटर सो ए अपान पी वी पुट द वैल्यू ऑफ ए अपन पी एंड वी नो दैट ए एंड पी

चलो तो डिफरेंशिएशन इसका करते हैं ओके okay? तो अगर डिफरेंशिएशन करोगे किसका हाइड्रोलिक मेन रेडियस का इसका किसके रिस्पेक्ट में थीटा तो आपको रिस्पेक्ट पता होना चाहिए तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको अगर जीरो के इक्वल रखेंगे देखिए डी एम अपान डी थीटा इक्वल टू अब ये वाला है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो ताकि सिंपल हो जाएगा आपका डी अपान डी थीटा थीटा से थीटा कैंसिल आर वाई टू बचा कांस्टेंट है माइनस साइन टू थीटा अपान फोर थीटा ओके अब यहाँ पर आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा माइनस साइन टू थीटा अपान थीटा इसका डिफ्रेंशिएसन करो आप तो क्या जाएगा साइन टू थीटा का देखो डिनोम डिवाइड वाला रूल लगाइए तो इसमें अगर साइन टू थीटा और थीटा का करोगे तो आपको यू अपान बी का वो वाला लगाइए डिफ्रेंसीन का ओके okay? अब ये जो मिलेगा कॉस टू थीटा अपन टू इंटू टू ओके फिर प्रोडक्ट लगा रहे फिर इन्वर्स का जब लगाओगे टू थीटा का टू थीटा गया फोर नीचे रहेगा अब ये वन अपान थीटा का क्या हो जाएगा थीटा ऊपर जाएगा तो वन अपान थीटा स्क्वायर आ जाएगा ठीक माइनस टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा टू वन जो टू 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 जो फोर हो जाएगा तो अब ये थीटा इधर जीरो के अगर रखेंगे तो ये जीरो चला जाएगा तो कॉस्ट थ्रू थीटा इक्वल टू जीरो अब यहाँ पर हमको देखना है कि उस थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें तो आप याद रखिए मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए डी एम वाई दी थीटा रखोगे तो थीटा जो कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू तो वो आपकी आ रही होगी इतने एंगल पे 128 डिग्री 45 मिनट्स पे अब ये आप याद रखिए फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए डी एम अपॉन डी थीटा जीरो होता है थीटा की वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो 128 डिग्री जो टू थीटा एज्यूम किए थे वहाँ पे अगर थीटा की बात करें तो 128 डिग्री 45 पर मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिलेगी ओके okay? और जो डेप्थ जो डेप्थ आपने कंसीडर की थी सर्कुलर चैनल सेक्शन में ये ओके okay? ये आपकी जो रिलेशन होना चाहिए डायमीटर ऑफ सर्कुलर चैनल सेक्शन के लिए आप सब याद रखिएगा डी इक्वल टू जीरो पॉइंट एट वन डी ओके इतना आपको याद होना चाहिए बिल्कुल ये याद होनी चाहिए ओके ठीक बस अब ये चीज़ें हमें पता है तो बस तुरंत आइए आप यहाँ पर Q इक्वल टू ए सी एंडर रोड एम आई ये फार्मूला देखा आप पढ़ चुके हैं चीज इक्वेशन ड्राइव की थी बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ये अपान आ गया यहाँ पर C ये अंदर ले आए इसको तो ये क्यू अपान आ गया ये वाला ओके C I C एंड आई आर द कॉन्सटेंट तो अब हमारा बचा क्या के एंडर ई सी को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे e थीटा के रिस्पेक्ट में तो हमारा ये 154 डिग्री और डी जीरो डी ये वहाँ से मिल रहा था तो ये हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए जब है तो हमारा थीटा इतना आएगा और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए वो थीटा रहेगा ओके okay? तो ये चीज़ें जो थी आपकी अभी तक अब आप लोग इसको समझिएगा सभी चैनल सेक्शंस के लिए कि कितने एंगल पे रहती है मैक्सिमम वेलोसिटी 128 डिग्री पर मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए थीटा की वैल्यू कितनी आती है 154 डिग्री आती है जो डायमीटर ऑफ सर्कुलर चैनल सेक्शन होता है उसका डेप्थ के साथ जो रिलेशन है वो डी इक्वल टू जीरो पॉइंट एट वन डी है कैपिटल डी और ये डी स्मॉल डी इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन फाइव डी है ओके मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए अब टोटल आपका मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन से जो रिलेशन है वो खत्म हो चुका है अभी तक हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिए हैं सभी चैनल सेक्शंस किए हैं उसका एक न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस करना बताना चाह रहे हैं आपको ट्रिपोजाइडल चैनल सेक्शन हमने कंसीडर किया है यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि यह चैनल है साइड स्लोप ऑफ वन हॉरिजेंटल टू वर्टिकल एंड द स्लोप ऑफ द बेड इज़ वन इन फिफ्टीन हंड्रेड ओके आपको पता है कि जो स्लोप ऑफ बेड दिया है एस की वैल्यू या आई की वैल्यू द एरिया ऑफ द सेक्शन इज फोर्टी मीटर स्क्वायर इज गिवन हेयर And the find the dimension of the section if it is most economical channel section. तो so, dimension आपको find करनी है मतलब depth और width यही find करनी होती है for किसके लिए most economical channel section के लिए. Determine the discharge of the most economical channel section if C is given to 50. Means C का मतलब Chezy constant. तो so, C की value आपको 50 दी गई है यहाँ पे देखो हमेशा numerical में ऐसे दी रहेगी और आपको आ, क्या निकालना discharge तो discharge find करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा formula है तो आपने चीज क्वेश्चन फाइंड की है वहाँ पे v इक्वल टू सी अंडर रूट आर आ, एस जो होता है तो आपको पता है वहाँ से हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं q इक्वल टू ए सी अंडर रूट एम आई ओके तो ये एम आई यूज करोगे इससे डिस्चार्ज आ जाएगा और क्या कैलकुलेट करना, करना है हमको डायमेंसन्स तो इसकी वथ्थ और डेफ्थ फाइंड करनी है ओके okay. इतनी चीज़ कैलकुलेट करनी तो कोई भी न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइंड क्या करना है हमको और उसमें कौन कौन से फार्मूले यूज हो सकते हैं फिर जब फार्मूले पता चल जाएंगे तो आप देखिए कि उस फार्मूले में जो भी हमें पैरामीटर्स की वैल्यू पुट करनी है वो पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं वो चीज़ पता चल जाए तो तुरंत सॉल्व कर सकते हो तो यहाँ पर आप गिवन फिर उसके बाद आप पहले गिवेन फाइंड कीजिए सबसे पहले गिवन में लिखिए यहाँ पे साइड स्लोप दिया गया है आपका आ, कितना दिया गया है वन हॉरिजेंटल टू दिया गया है तो हम ये साइड स्लोप यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये वाली चीज़ जो इसका ये दिया गया ओके साइड स्लोप तो वन अपॉन एन दिया गया और बेड स्लोप जो दिया गया होगा चैनल सेक्शन तो ऐसे बना होगा अगर साइड से देखोगे तो ये बेड स्लोप दिया गया है, आपका आई वन अपॉन फिफ्टी हंड्रेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इसकी दी गई है वो आपकी एरिया दी गई है फोर्टी मीटर स्क्वायर और चेजी कॉन्स्टेंट सी भी दिया गया है ओके फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन यूजिंग द इक्वेश जो हमने आपको बता रहे हैं कि क्या इक्वेशन यूज करनी है हमको यहाँ पर ही देखिए आपने b प्लस टू एन अपन डी टू इक्वल टू अब यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो d अंडर रूड एन स्क्वायर प्लस वन अगर इसको सॉल्व करें तो ये भी इक्वेशन यूज हो सकती है तो ये डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पर रखी है आपकी ओके okay? ये फार्मूला आपको पता है ये फार्मूला पता है यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट फार्मूले से बी और आ जाएगी okay? ये ओके ये डी के साथ रिलेशन आ गया एरिया ट्रिपोजाइडल एरिया ये फार्मूला आप यूज कीजिए एरिया का यूज़ करेंगे तो बी डी का यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा ये वाला ओके, okay? ठीक तो ए 40 मीटर स्क्वायर वहां पे हम एरिया में गिवन है पुट कर दीजिए 1.736 स्क्वायर आ जाएगी यहां से डेप्थ आप कैलकुलेट कर लेंगे उसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशंस में तो आपको वेट्थ मिल जाएगी ओके okay? उसके बाद फॉर डिशाइज जो कैलकुलेट करना है फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए एडोलिक डेप्थ फॉर मोनी ये एम अपन डी वाई टू ये रिलेशन हमने फाइंड किया था चैनल सेक्शन के लिए क्या होता है डेफ्थ वाई टू से होता है ओके तो डेफ्थ कैलकुलेट कर चुके हो आप ऊपर कहाँ की हो ये वाली डेफ्थ वैल्यू रख दिए तो हमारा आंसर आ गया ये चीज डिस्चार्ज के लिए आपको ये फार्मूला बताया है, है कहाँ से आया चे जी इक्वेशन से आया है जे जी का जो फार्मूला दिया गया है, तो वही यहाँ वह पर दिया क्यूक्ल टू ए सी अंडरवुड एम आई वैल्यू सारी पुट कर देंगे और ये फार्मूला इससे आंसर आ जाएगा तो इस तरीके से ओवरऑल ये न्यूमेरिकल्स रहेंगे बहुत सिंपल न्यूमेरिकल हैं इसमें कुछ कैलकुलेट ज़्यादा नहीं करना है चाहे जो चैनल सेक्शन बस आपको एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना आना चाहिए उसके बाद चेजी इक्वेशन जो ड्राइव की थी पिछले लेक्चर्स में उस चेजी इक्वेशन का यूज कीजिए कैलकुलेट कर लीजिए ओके क्लास चलिए थैंक यू